आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल के गांव ईसापुर सुनवारी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 42 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 18 किलोमीटर दूर है। 3700 वोट और 10,000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान एक बार फिर से कुंवर पाल सिंह संभाले हुए हैं। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। बताते चलें कि अपने अच्छे कार्यों के कारण लगातार लंबे समय से गांव के प्रधान चुनते चले आ रहे हैं। एक बार जिला पंचायत सदस्य भी चुनकर क्षेत्र में अच्छा विकास कराया गया है। इनके विकास कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों की ग्राम प्रधान द्वारा काफी सहयोग किया गया है। ग्राम प्रधान कुंवर पाल व सचिव इरफान सेन के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। अपने कार्यकाल में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं भी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक संभल के ईसापुर सुनवारी ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से लॉकडाउन के चलते यहाँ गरीबों की मदद की गई है और क्या कोशिशें यहाँ इनकी आगे समय रहते जारी रहेंगी। जैसा कि यहाँ हमें जानकारी मिली है कि जिला पंचायत सदस्य भी यहाँ जो ग्राम प्रधान इस वक्त मौजूद हैं वो जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, तो जाहिर बात है कि गांव विकास की चरम सीमा पर पहुँच ही चुका होगा, लेकिन आगे की जानकारी हम यहाँ ग्राम प्रधान से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान से। रानी, टुडे 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, हम ये जानना चाहेंगे, हालांकि पूछना तो सही है भी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे, आप जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, आपके गांव में अब तक क्या क्या विकास कार्य हो चुके हैं? मैं ग्राम प्रधान श्री कुंवरपाल सिंह, ग्राम पंचायत सतपुरवाई, ब्लॉक संभल, जो कि मैंने अपने कार्यकाल में करीबन 10-15 नाले विकास कार्य कराए हैं। सीसी टाइल्स की करीबन 60-70 रोड बनवाकर गांव को स्वस्थ पेयजल देकर मैंने गांव में पूरी तरह से जो है पक्का मैंने पूरी ग्राम पंचायत में साफ सफाई कोरोना के चलते हुए सैनिटाइज भी कराया है। वर्तमान में सफाई भी चल रही है ग्राम पंचायत में। जो स्वच्छ पानी है, मैं टंकी का ग्राम पंचायत के लोगों को, अपने गांव के एक एक व्यक्ति को पानी, अच्छा स्वच्छ पानी दिलाता हूं। पानी यहां पर जो है उपलब्ध कराने के लिए ओवरहेड टैंक भी आपने यहां पर मतलब अपने ही कार्यकाल में मैंने अपने कार्यकाल में बड़ी टंकी का निर्माण कराया है, जो कि ईसापुर सुनवारी तथा प्रचंडल मेरे ग्राम पंचायत के गांव है। मेरी ग्राम पंचायत की 3700 वोटों की आबादी है। एक एक व्यक्ति को मैं अपना स्वच्छ पेयजल और बिजली उन्हें मुहैया कराता हूँ, और मैं एक बार नहीं, जनता ने मुझे चार बार चुनकर मुझे सम्मान देने का काम किया है। आने वाला दौर मेरा ही ग्राम पंचायत से पुनः मैं 5 बार चुनाव जीतकर अपने विकास की उम्मीदों पर मैं खड़ा उतरूंगा, और मैं विकास मैंने कराया है, अच्छी रोडें बनवाई हैं, अच्छे नाले बनवाए हैं, बिजली की आपूर्ति समय पर दिलवाता हूँ, तीन टाइम पानी की टंकी छुड़वाता हूँ, घर घर मैंने अपना हैंडपम्प समय पर ठीक करा कर लोगों को पानी पिलाता हूँ। यहाँ किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत सामने आती है तो आप उसका खास तौर से ध्यान रखते हुए उनकी उन परेशानियों को जो है दूर करने की पूरी आपकी कोशिश पूरी यहाँ पर रहती है। कोई अगर व्यक्ति परेशान है, उसकी तकलीफ हो, बीमारी हो, मैं अपनी स्वयं अपनी गाड़ी से लेकर उसको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, उनका समय पर ट्रीटमेंट कराता हूँ। बाहर से आए लोगों का क्वारंटीन 14 दिन के लिए उनसे निवेदन करता हूँ, क्वारंटीन रखवाता हूँ, और कोई बाहर से लोगों के लिए मेरी ग्राम पंचायत में अब तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं पाया गया है। सब के लिए मैं स्वस्थ व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास करता हूँ, करता रहूँगा। प्रधान जी, जैसे कि अभी 70 दिन का पूरा लॉकडाउन रहा है पूरे देश में रहा है, तो इसमें अगर कोई परिवार ऐसा आपके सामने आया है जिसके आगे खाने पीने या और किसी तरह की कोई भी समस्या आगे आई हो, तो उसके लिए आपका किस तरह से सहयोग रहा? मैंने जो गरीब लोग थे, मैंने अपने पास से उन्हें गेहूँ की व्यवस्था की, नाज की व्यवस्था की, पैसे की व्यवस्था की, और मेरे पास 2 राशन डीलर हैं, उन्होंने मैंने कह दिया गरीब के लिए समय पर उन्हें जाएं, उन्हें राशन की उपलब्धता, किसी दिक्कत पैसे की या राशन की ना होनी चाहिए, अगर पैसे की हो तो मैं अपने पास से दूंगा, राशन की व्यवस्था डीलर से कराएंगे। अरे, यहाँ पर आवास मिले हैं लोगों को? मैंने जो मेरे वित्त वर्ष 2016 में जो 16-17 मिले थे, करीबन 22 आवास मैंने इंदिरा आवास बनाए हैं। इस बार प्रधानमंत्री आवास की सूची मैंने 92 लोगों की सूची इस तरह बनाकर भेज दी गई है, जल्द ही आवास मुहैया कराने की प्रयास करूँगा।
जी, जैसा कि यहाँ लगातार चार बार से आप धान रहे हैं, तो मतलब उम्मीद की जा सकती है कि अब लगभग सभी परिवारों के आवास जो हैं वो पक्के हो गए होंगे। कोई कच्चे मकानों में रहने वाला परिवार क्या अभी भी यहाँ ऐसे हैं जिन्हें बाद में लोगों की सूची मैंने वीडियो द्वारा इस ग्राम पंचायत सत्यापन कर मैंने ब्लॉक विकास खंड भिजवा दी गई है, उनका प्रधानमंत्री आवास बनवा दिए जाएंगे। और अब जो ग्राम पंचायत में मैंने 853 पूरी ग्राम पंचायत को शौचालय देने का काम किया है। मेरी ग्राम पंचायत में बाहर कोई शौचालय शौच करने नहीं जाता है। मैं इस बात का मोदी जी के लिए धन्यवाद दूंगा, उनके लिए मेरी ग्राम पंचायत में 853 शौचालय देकर हर महिला हर बच्चे का सम्मान करने का काम किया मोदी जी। तो प्रधान जी, आप जैसे कि स्कूल में कायाकल्प मिशन जो चला है उसके अंतर्गत स्कूलों में क्या क्या विकास कार्य जो हुए हैं, किस तरह का? मैंने कायाकल्प के द्वारा ग्राम पंचायत प्रताप संदल के राजस्व गाँव है मेरा, उसमें मैंने प्राइमरी स्कूल पाठशाला में बाउंड्री वॉल कराई है, वहाँ पे फर्स्ट कार्य किया है, अच्छे शौचालय की व्यवस्था की है तीनों जूनियर हाईस्कूल और प्राइमरी में, और जूनियर हाईस्कूल में सड़क सीसी टेंस का कार्य किया है। जल्द ही प्राइमरी स्कूल स्तर पर सुनवाई में टेंस पूरे कमरों में बिछवाने का कार्य शुरू करने वाला हूँ, और बाउंड्री वॉल मैंने करा चुका हूँ। अब अपने गांव को और ज्यादा सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से आप रखना चाहेंगे? यानी मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आप इतने सालों से गांव की कमान आप ही के हाथों में है और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, काफी जिम्मेदारी आपके सर पर रही है और बहुत मौका भी आपको मिला है गाँव का विकास करने का, तो भी अब भी कुछ समस्याएं क्या ऐसी हैं जो विकास के आड़े आ रही हैं, या किस तरह की समस्याएं आपको लगता है गांव में हैं जिसकी तरफ सरकार को थोड़ा सा और ध्यान अगर आपको मिले, सरकार की और मदद अगर आपको मिले, तो आप उन समस्याओं को पहले यहां से हटाएं? मैं सरकार से उम्मीद करूंगा, मेरे गांव में इंटर कन्या इंटरकारी नहीं है, मैं अपनी जो मेरे गाँव की बेटी है उन्हें इंटरकारी बनवाने का कन्या इंटरकारी बनवाने का प्रयास करूँगा और शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दूंगा। और मोदी से मेरा निवेदन है, कई काम मेरे ऐसे हैं जो कि मैं लिंक रोडों से अपनी ग्राम पंचायत को जोड़ने का काम करूंगा, जो कि अभी जिला पंचायत से मैं प्रताप चंद्र से मानागंज तक का रोड बनवाने का काम जल्दी शुरू करने वाला हूं। और जो भी जिला पंचायत में 32 गांवों में जिला पंचायत रहा, 32 गांवों सड़कें बनवाने का काम मैंने किया, और अब भी मैं पुनः जिला पंचायत लड़ूंगा और जीत के भी आऊँगा। और सरकार से और मैं सरकार से उम्मीद करूंगा मेरी ग्राम पंचायत को अच्छी सुविधा देने का काम करे, मैं उनका अच्छा खड़ा हूँ। प्रधान जी, अस्पताल की सुविधा यहाँ से कितनी दूरी पर है? अस्पताल की दूरी लगभग यहाँ से 18 किलोमीटर मेरा CST पड़ता है संभल, यहाँ कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। मैंने उपकेंद्र स्वास्थ्य केंद्र बनवा रखे हैं, डॉक्टरों की मांग कर रखी है, डॉक्टर मेरे लिए अभी उपलब्ध नहीं है। मैंने इतने साल से यहाँ पर जो है ये स्वास्थ्य केंद्र की जो आपकी मांग है वो हो नहीं पाई है, पूरी स्वास्थ्य केंद्र बन नहीं पाया है, जबकि इस वक्त में जो अभी ये कोरोना काल चल रहा है इस वक्त में सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो हेल्थ सेक्टर को दी जा रही है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण रहा कि अभी तक कोई भी स्वास्थ्य केंद्र यहाँ आसपास निर्मित नहीं है, या ये सुविधा अभी तक आपके गाँव में ग्रामवासियों को आसपास क्यों नहीं मिल पा रही है? उप स्वास्थ्य केंद्र है, मैंने डॉक्टर से भी हम सब पत्र लिखा है, मुझे डॉक्टर की व्यवस्था करा दी जाए, लेकिन कुछ कारणवश प्रशासन जाने क्या हुआ, डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुए, स्वास्थ्य केंद्र में बिल्डिंग दोनों बनी हुई है, प्रताप चंद्र ही सब सुनवाई में मैंने बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर या दवाई वगैरह लोगों को मतलब किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं मिला बिल्डिंग का जी, क्योंकि 10 साल से बिल्डिंग बनी हुई है। 10 साल से अब तक जाहिर बात है कि आपने जो है डिमांड भी रखी होगी, मांग भी की रही होगी, तो अभी तक क्यों कोई भी मतलब सुनवाई नहीं हुई, कोई भी जो है हल इसका नहीं मिला है? स्वास्थ्य विभाग के कहते हैं जिलाधिकारी महोदय निवेदन किया मैंने, स्वास्थ्य विभाग को ये वह स्टाफ दीजिए, कहते हैं स्टाफ कम होने के कारण आपके लिए स्टाफ नहीं दिया जा रहा, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन किया, लेटर लिखे, और मैं आए दिन लिखता रहूँगा जब तक स्वास्थ्य विभाग की यहाँ टीम नहीं आएगी, अपने गाँव के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था की टीम के लिए मैं तत्पर हाजिर रहूँगा और पत्र भी लिखता रहूँगा। जैसे कि अब ये अनलॉक हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन अभी भी है, पर अनलॉक है, तो अपने ग्रामवासियों को कुछ कहना चाहेंगे इसमें कि महामारी जो है वो कम नहीं हो रही है, हालांकि ख़त्म भी नहीं हो रही है और कम भी नहीं हो रही है, तो इस बारे में अपने ग्रामवासियों को कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने अपनी ग्राम पंचायत में अपना जो है यहाँ एक टीम बना रखी है, उस टीम पर घर घर जाकर टीम जागरूक करती है, जो से समिति मेरी जाती है, कोई बाहर से लोग आते हैं वो अपने क्वारंटीन रहते हैं, और सबके लिए मैं अच्छी सुविधा स्वास्थ्य की और बाहर से लोग आने वाले के लिए
व्यवस्था कराऊंगा और कराता रहूंगा। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है और जैसा कि हमने यहाँ जाना है कि जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, तो काफ़ी विकास इन बीते कई सालों में यहाँ इनके द्वारा करवाया गया है, जैसे सड़क निर्माण, नाली निर्माण, सीसी कार्य, आवास भी यहाँ कई परिवारों को मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी 92 परिवार लगभग यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की ज़रूरत है। यहाँ पर स्कूलों का सौंदर्यकरण भी काफ़ी हद तक कराया गया है और लिंक रोड या सड़कें निर्माण या जो भी लोगों की यहाँ परेशानियाँ दिक्कतें रही हैं उसमें ग्राम प्रधान द्वारा काफ़ी हद तक यहाँ सहयोग मिला है, सभी तरह से आर्थिक रूप से भी, राशन को लेकर भी हर तरह से यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा मदद की गई है। इसके साथ ही अगर समस्याओं की तरफ नज़र करें तो यहाँ कुछ समस्याएं भी बाकी हैं, जैसे कि इंटर कॉलेज को लेकर यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा प्रमुख मांग रखी गई है, चाहते हैं कि यहाँ पर इंटर कॉलेज का निर्माण कराया जाए जिससे कि लड़कियों को यहाँ से दूर शिक्षा के लिए ना जाना पड़े, शिक्षा की तरफ काफ़ी रुझान देते हुए वो इस मांग को रखते हैं अपनी। और स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र जिसकी बिल्डिंग यहाँ पिछले 10 सालों से निर्मित है, केवल नाम मात्र, ना तो उसमें डॉक्टर अभी तक मुहैया है, ना ही कोई सुविधा यहाँ किसी भी गांव वालों को मिल पाती है, जिसके लिए पिछले 10 साल से लगातार इनकी कोशिशें जारी हैं कि वहां पर से सुविधा यहां गांव वालों को मिल पाए किसी तरह से, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। इसका कारण क्या है ये शासन और प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। अशोक अली के साथ में नाजरीन जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम बबलू सिंह। कहाँ के निवासी हो? मैं ग्राम ततारपुर संदल का निवासी हूँ, इसी गांव का, और इसी विद्यालय में पहले पढ़ भी चुका हूँ। यहाँ पे 4.5 वर्ष हो गए हैं ग्राम प्रधान जी के कार्यकाल को। जी जी, बहुत अच्छा। विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? हमारे कुमारपाल सिंह जो ग्राम प्रधान के, जो इस ग्राम पंचायत के प्रधान है कुमारपाल सिंह, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और हमारे स्कूल की सुंदरता आप देखिए, यानी प्रधान तो बहुत हुए पर लेकिन ऐसा प्रधान आज तक नहीं हुआ। जब भी ये प्रधान बनते हैं तभी तभी हमारे गाँव का जो विकास उन्नति की तरफ चलता है। आप इनके करवाया था लगभग 4-6 महीने हुए हैं ये वाला कार्य, और पुताई भी करा दी, सारा सब कुछ करा दिया, सब कुछ सही चल गया। आप इनके विकास कार्य संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट है, मैं नहीं पूरा गांव सहमत है इस चीज से। और बार बार हमारे स्कूल में आते रहते हैं, मैं यानी कि शिक्षण ग्रहण के समय बार बार आते रहते हैं देखने की टीचर पढ़ा रहा या कोई नहीं पढ़ा रहा, मतलब पूरा ध्यान स्कूल पर, पूरा ध्यान स्कूल पर रहता।